नमस्कार दोस्तों, अभी जब हम कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर को कवर कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में जो इंटेल मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके हमारे बॉर्डर से वो घुस आए हैं इंडिया में, और उनका जो टारगेट है जो हमेशा कश्मीर हुआ करता था, अब उनका टारगेट जो है वो बाय एंड लार्ज जम्मू का रीजन है, और उसके पीछे इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको एक मैसेज देना है कि अमरनाथ यात्रा, या एक डर पैदा करना है कि अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी मंदिर में जो लोग हमारे जो घूमने जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको डराना, और ये सारी चीजें जो इनका ऑब्जेक्टिव है उसलिए ये लोग जम्मू वाले रीजन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट आकर के बाय एंड लार्ज रुकते हैं। वो इंटेल बिल्कुल अभी सही निकली है, बिकॉज कल की ये खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि तीन टेररिस्ट से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का एनकाउंटर हो गया, बिल्कुल उस टाइम पर जब यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो ये जो एनकाउंटर है वो गांदो एरिया में हुआ, गांदो एरिया जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के। अब मैंने आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे कश्मीर के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बोला था कि जो पीर पंजाल रेंजेस के नीचे वाला है, अभी मैं आगे आपको फिजिकल मैप भी लेकर के आया, उससे समझा दूंगा डिटेल में कि पीर पंजाल रेंज के नीचे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और जो पूरा बाय एंड लार्ज जम्मू एरिया बनाती हैं, पीर पंजाल कहां पड़ता है, सारी चीजें अभी आप समझ जाओगे, अभी आपको आगे मैप से मैं दिखा दूंगा। तो जो पीर पंजाल रेंजेस के नीचे वाला रीजन है जो कि जम्मू बनाता है बाय एंड लार्ज, जैसे जम्मू सिटी आती है उसमें, डोडा आता है उसमें, सांबा आता है उसमें, कठुआ आता है उसमें, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उसमें, तो उनको टारगेट करने की पूरी तरीके से कोशिश है। और आप देखिए कि पिछले चार जो चार अटैक हुए थे, जो चार टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसके बाद से अब लगातार जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एनकाउंटर करने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग इन्फिल्ट्रेट करके घुस कैसे पाए, क्योंकि बहुत लोग का कहना ये था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि 40-50 का जो इंटेल है, नहीं ये बेबुनियाद इंटेल है, इतने सारे टेररिस्ट जो हैं वो घुसना नामुमकिन है। लेकिन अभी देखो, जैसे ही उन्होंने नामुमकिन बोला, उसके बाद ही आप देखिए कि अगले दिन ही सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ इन टेररिस्ट का एनकाउंटर हो गया। हालांकि ये तीन टेररिस्ट थे और तीनों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सक्सेसफुली मार गिराया है। और सबसे खास बात आप देखिए कि इन टेररिस्ट के पास, आप सोचिए कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग अब ऑपरेट कर रहे हैं, कि इन टेररिस्ट के पास ये M4 कार्बाइन मिली है। अभी जो M4 कार्बाइन है ना, ये एक्चुअल में US मेड गन है, और ये जो US मेड गन है वो ऑथेंटिकली US मेड गन है। इसको बनाना ब्लैक में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब पाकिस्तान में सारी गन्स के डुप्लीकेट बनते हैं, बिकते हैं, लेकिन M4 कार्बाइन कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड गन है, उसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले ये टेररिस्ट जो थे ना वो AK-47 यूज़ किया करते थे। अब आप देखिए यहाँ पर इनकी वर्किंग में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अभी जो AK-47 यूज़ किया करते थे, इसके साथ कई सारी परेशानियाँ थी। एक तो ये गन रिकॉयल बहुत मारती थी, मतलब इधर उधर बहुत होती थी, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल था, उसमें ट्रेन करना पड़ता था बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये थी कि इस गन का जो मैगजीन था वो हमेशा फंस जाता था, जिसकी वजह से ये टेररिस्ट अक्सर मारे जाते थे। अभी क्या हुआ है कि M4 कार्बाइन जब ये यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड गन यूज़ बाय द US सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, और उस गन को स्पेसिफिक टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है M4 कार्बाइन को। सो दिस इज़, मतलब बर्स्ट फायर हो या स्पेसिफिक फायर हो, उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है M4 कार्बाइन को। तो आप समझिए कि सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि US मेड M4 कार्बाइन गन इनके पास पहुँच कैसे रही है। आप समझिए किस लेवल पर ये लोग ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से ये जो स्मगलिंग होती है उसमें ऑपरेट करते हैं। और मैंने कहा था ना, एक से दूसरा सब कनेक्टेड हैं, चाहे वो ISIS हुआ, अलकायदा हुआ, इनके ऑपरेटिव्स हुए, इनके ऑफशूट्स हुए, इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हर देश में। आप समझ लो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का, जो आपको पता है कि वो क्या चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया में एक तरीके से इस्लामिक रूल हो, और ये सारी आइडियोलॉजी है, वो सारी चीज़ें वो प्रीच करते हैं। और हर देश में ऐसा एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो किसी ना किसी एक बड़े टेररिस्ट ग्रुप का ऑफशूट है, और वो वहाँ पर एक्टिव है, और इसी के थ्रू ये लोग स्मगलिंग को बहुत सक्सेसफुली कर पाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर US मेड गन है, और वो अगर इटली से पहुँचाना है आपको इंडिया तक, या आपको UK से कोई गन पहुँचाना है इंडिया तक, तो आपको बहुत सारी कंट्री, क्योंकि अब गन है, आप कोई नॉर्मल चीज़ तो लेकर के आ नहीं रहे हो, तो गन को लेकर के आना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो स्मगलिंग ये सक्सेसफुली कर पाते हैं, तो आप इसी से समझ लो कि इनका नेटवर्क कितना तगड़ा है और ये किस लेवल पर ऑपरेट करते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि ये सारे टेररिस्ट जो थे, ये जो अभी रीसेंट अटैक हुआ था आर्मी के ऊपर, जिसमें आर्मी सर्च ऑपरेशन कर रही थी और उसी दौरान आर्मी के कुछ जवानों पर गोलियां चल गई थी, वो बताया जा रहा है कि यही टेररिस्ट ने किया होगा। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो टेररिस्ट थे वो छुपे हुए थे डोडा के और रजौरी के रीजन्स में,
और ये जो अटैक था जो सीआरपीएफ के कैंप पर अटैक हुआ था डोडा के अंदर में ही, और जो आर्मी के कैंप पर अटैक हुआ था, इस अटैक में 11 जून को जो अटैक हुआ था इसमें हमारा एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो थे हमारे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और दूसरा जो सीआरपीएफ के कैंप पर अटैक हुआ था उसमें भी हमारे एक पुलिस ऑफिसर जो हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो उसके बाद ये दोनों अटैक जो है वो डोडा रीजन में हुए। डोडा रीजन में अटैक होने के बावजूद ये इतने लंबे समय तक ये टेररिस्ट जो हैं वो डोडा रीजन में ही बने हुए थे, वहीं पर रह रहे थे। अब आप समझिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इसकी कोई इंटेल नहीं थी इतने दिनों से, मतलब 11 जून और आज आपका हो रहा है 27 जून। अब आप सोचिए कि ये टेररिस्ट जो हैं इतने लंबे समय से यहाँ पर कैसे ऑपरेट कर पा रहे थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जो इंटेल इन्फॉर्मेशंस हैं जो लोकल लेवल पर आती हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये इतने दिनों तक कैसे छुप पाए डोडा और राजौरी के रीजन में, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि वो ये पूरे रीजन जो हैं वो हमारे कब्जे में हैं, मतलब यहाँ पर एक पत्ता भी हिलता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चल जाता है। कश्मीर वैली आप कह सकते हो कि वहाँ पर क्योंकि लोकल सपोर्ट काफ़ी होता है इन टेररिस्ट को तो इसलिए वो वहाँ पर ऑपरेट कर पाते हैं, लेकिन जम्मू वाले रीजन में ये ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। बट अभी आपको दिख रहा है कि ये जम्मू वाले रीजन में भी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग, और ये जो छुपे हुए थे डोडा और राजौरी के रीजन्स में इसकी इन्फॉर्मेशन भी थी हमारी पुलिस फोर्सेस को, जो मैंने आपको बताया कि हमने इसको कवर भी किया था कि 40 फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो घुस आए हैं और पुंछ और राजौरी के रीजन्स में ये छिपे हुए हैं। और इसके बाद ये इंटेल के बाद क्या किया था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कि अपने दोनों जो ग्रिड हैं सिस्टम्स हैं सिक्योरिटी के उनको एक्टिव कर दिया था। अब ये दोनों ग्रिड सिस्टम्स क्या हैं, देखो पहला तो एक फर्स्ट ग्रिड होता है, फर्स्ट ग्रिड जो होता है वो एक डायरेक्ट ग्रिड होता है। डायरेक्ट ग्रिड का मतलब है कि सीधा जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है जैसे कि BSF या हमारी जो मिलिट्री है जो कि बॉर्डर को गार्ड कर रही है, पहला ग्रिड तो वो हो जाता है। दूसरा जो ग्रिड होता है मैंने आपको बताया था वो लोकल पुलिसिंग का ग्रिड होता है, लोकल पुलिसिंग और इन्फॉर्मेंट्स का ग्रिड होता है। खास तौर से आपने पिछले मूवी वगैरह में आपने देखा होगा या और जगह पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्फॉर्मेंट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस को और फिर पुलिस एक्ट करती है, तो उसी तरीके से लोकल इन्फॉर्मेंट्स की जो मतलब नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था जम्मू रीजन में, ऐसा माना जा रहा था। कई सारे एक्सपर्ट्स ने बोला था कि लोकल इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और इसीलिए ये टेररिस्ट जो है इतनी बड़ी मात्रा में ऑपरेट कर पा रहे हैं इस पूरे रीजन में, और वो बात सही भी थी। तो सेकेंड ग्रिड को अभी रिसेंटली जब ये इंटेल मिला कि 40 से 50 वहाँ पर छिपे हुए हैं टेररिस्ट, तो उसके बाद इसको एक्टिव किया गया, और उसके एक्टिव करते ही आप देखो कि पहले दिन ही मतलब पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी और वहाँ पर एनकाउंटर हो गया। अब जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बार रीजन समझा देता हूँ कि कौन कौन से रीजन को टारगेट कर रहे हैं, वैसे तो मैंने मैप में आपको कई बार दिखाया है, तो ये फिजिकल मैप है। हर बार मैं पॉलिटिकल मैप आपके लिए लेके आता हूँ, ये फिजिकल मैप है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कौन सा रीजन कश्मीर है और कौन सा रीजन जम्मू है। तो देखो ये आपको बीच में यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में पीर पंजाल रेंजेस हैं, और ये जो पीर पंजाल रेंजेस हैं इसके ऊपर देखो यहाँ पर कश्मीर वैली लिखा हुआ, ये पूरा रीजन ये कश्मीर वैली का है। इसी पूरे रीजन में वो सारे रीजन्स आते हैं जैसे वो कुलगाम आता है, जैसे यहाँ पर आपको देखो कि इस रीजन में कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, पुलवामा, श्रीनगर, गंदरवाल, अनंतनाग, ये सब रीजन जो हैं, कुलगाम, ये सब जो रीजन हैं ये कश्मीर वैली में आते हैं क्योंकि ये पीर पंजाल के ऊपर के रीजन हैं। और पीर पंजाल का जो नीचे का रीजन है उसमें आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ ये पूरा रीजन ये जम्मू बाय एंड लार्ज जम्मू रीजन है। तो जम्मू रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप कह सकते हो ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, रियासी, जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ, डोडा, ये सब जो एरिया हैं, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप कह सकते हो कि जम्मू में आते हैं। और अभी जो टारगेट है वो यही जम्मू का एरिया है, पुंछ में छिपे हुए हैं ये। क्यों पुंछ में छिपे हुए हैं? बिकॉज ये मीरपुर जो कि POJK का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, इससे ये घुस करके राजौरी और पुंछ में ये इन्फिल्ट्रेट करके घुसे हुए और यहाँ पर छिपे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने रियासी में अटैक कर दिया, दो अटैक डोडा में कर दिए, कठुआ में एक अटैक कर दिया, तो चार अटैक इन्होंने किए। और उसके बाद ये डोडा में अटैक करने के बाद यहीं छिपे हुए थे। इनकी कोशिश मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी, वाया किश्तवार इनकी कोशिश ये है कि अनंतनाग जाने की इनकी कोशिश होगी, वाया किश्तवार ये अनंतनाग जाने की कोशिश इनकी रही होगी, इसीलिए डोडा में छुपे होंगे कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी सी शांत होंगी तो वाया किश्तवार हम अनंतनाग में एंटर कर जाएंगे, बिकॉज डायरेक्ट अनंतनाग एंटर करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके इसी के लिए यहाँ पर छुपे होंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी भनक भी नहीं लग पाई, तो जो रिसेंट एनकाउंटर हुआ है वो यहीं डोडा के अंदर में किया गया है। अब
आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सिनेमैटिक वीडियो प्लान की है और ये सिनेमैटिक वीडियो होने वाली है लास्ट 24 आवर्स ऑफ उरी स्ट्राइक के ऊपर। जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें लास्ट 24 घंटे में किस लेवल की प्लानिंग हुई थी, किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने ऑपरेट किया था, कौन कौन से ऑफिसर्स थे, कैसे उन्होंने ऑपरेट किया था, किस तरीके से वो अटैक सक्सेसफुल हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाले हैं। ज़बरदस्त सिनेमैटिक वीडियो होने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आपको पहले कभी कहीं नहीं मिली है। तो इसको आप ज़रूर से देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा दिया, उस पर क्लिक करिएगा। ये हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी आपको वीडियो, तो वहाँ पर जाकर के आपको इसको देखना होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक और छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आपने यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आप फ्रेशर हो या भले ही आप रिपीटर हो, दोनों के लिए अनअकैडमी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया है। आपके अगर आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसमें आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं, आपको भी पता होगा, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और ये प्राइस अब कम करके 24,999 कर दिया है अनअकैडमी टीम ने। तो इतने प्राइस में दो सबसे खास बात मिलेंगी आपको कि इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं लाइक प्रतीक सर, लाइक मृणाल सर, लाइक सुदर्शन सर, लाइक मधुकर सर, लाइक सिद्धार्थ सर, ये फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 24,999 के प्राइस में। और इस बैच की सबसे खास बात जो सबसे बेस्ट लगी मुझे, दैट इज़ अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा सारे बैचेस में। मतलब आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये बैच आपको दिया है जो टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं उनसे ही आपको पढ़ना है, नहीं, आपके पास सारे बैचेस का एक्सेस होगा। आप जिस टीचर से चाहो उस टीचर से वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद आप जितनी बार वीडियोस को प्ले करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज तीनों चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा, ये इंफॉर्मेशन भी समझ में आ गई होगी। एक बात याद रखना कि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसको जल्दी से अवेल कर लीजिए वरना ये प्राइसेस जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको यूज करना है APYT10, उसके बाद आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।